हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं मेथी। और दोस्तों, मेथी उगाना बहुत आसान है। देखिए, अभी लास्ट सीजन है मेथी का, इसलिए मैंने उगा लिया था। पिछले बार हम लोगों ने उगाया था तो हम लोग को पता था कि अभी लास्ट में हो जाएगी मेथी, फरवरी लास्ट तक मेथी उगा सकते हैं आप। तो देखिए, हम लोगों ने उगाया था और मेथी बहुत अच्छी हुई है। आज हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो दोस्तों देखिए, आज हम कर लेते हैं हार्वेस्टिंग। तो देखिए, इस तरीके से हमारी मेथी बहुत अच्छी ग्रो हुई है। अब हार्वेस्ट करना इसको ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि नहीं तो इसमें फूल आ जाएंगे। वैसे भी सीजन का लास्ट मेथी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और दोस्तों, इस टाइम पे मेथी लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। मेथी का तो अब दोबारा आप लोग नहीं लगा सकते हैं, पालक लेकिन लगा सकते हैं। और देखिए, ये ग्रो बैग दोस्तों मैंने मंगाए हुए थे ऑनलाइन, तो इनमें मेथी लगाई थी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेथी भी बहुत अच्छी हुई है, आप लोग देख सकते हैं मेथी इस तरीके से, इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप लोग। मेथी बहुत अच्छी हुई है। और दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी उगाएं। तो मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और कुछ दोस्तों लगी हुई है हमारे यहाँ पालक, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो चलिए, तो मैं पहले पूरी हार्वेस्ट कर लेती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मेथी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने ये मेथी हार्वेस्ट कर लिया है। ये हैं दोनों ग्रो बैग, देख सकते हैं, ये हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और दोस्तों, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कुछ मेरे पौधे कौन कौन से लगे हुए हैं। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगी हुई है भिंडी, और देख सकते हैं आप लोग, भिंडी निकल आई है, जम गई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये लगे हैं टमाटर, टमाटर में फूल आ गए हैं दोस्तों, टमाटर फूलने लगा है। और देखते हैं इसमें फल कब तक में बन रहे हैं दोस्तों। टमाटर में ध्यान रखें, इस तरीके से जो पत्तियां होती हैं, इनमें जो फंगस होता है, इन पत्तियों को तुरंत हटा दें, नहीं तो पूरे पौधे में फंगस लग जाएगा। और दोस्तों देखिए, ये लगा हुआ हमारा पुदीना, आप लोग भी लगा सकते हैं। और कुछ पौधे मैंने गर्मी के लिए उगाए हैं, आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है टमाटर यहाँ भी। और ये देखिए, छोटे छोटे पौधे हैं, ककड़ी लगी हुई है, कलिंदे के पौधे हैं, वाटरमेलन, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने टमाटर लगाया हुआ था टब में, और इसकी ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा टमाटर की ग्रोथ हुई है। देखिए, इसमें फूल आने लग गए हैं। और नीचे देखिए, छोटे से गाजर के पौधे लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े से। और दोस्तों देखिए, मटके में भी टमाटर लगा हुआ है। और दोस्तों देखिए, करी पत्ता का पौधा है, जिसको हम लोगों ने तोड़ दिया था और इसकी भी कटिंग कर दी थी, देखिए निकल रही हैं इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ बोरी में भी टमाटर का पौधा लगा हुआ था, देखिए ढेर सारे फूल आ रहे हैं, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है। मैंने कैसे लगाया है ये भी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये वाला देखिए दोस्तों, इस तरीके का ये जो फंगस होता है, रोग होता है, टमाटर के पौधों में बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए देखते रहें आप अपने, और हर 10 से 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। ये देखिए दोस्तों, ये भी टमाटर का पौधा है। ये देखिए दोस्तों, ये खीरे की बेल है, इस तरीके से खीरे देखिए, और इसमें फूल आना शुरू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, खीरे में फूल बनना स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से कुछ मैंने मैरीगोल्ड के प्लांट भी लगाए हुए हैं। और ये देखिए, इधर भी खीरे का पौधा है, लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, मटर लगी हुई है, ये बोरी में लगी हुई है, इसकी ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं। ये मटर फूल लगे हुए हैं, और बहुत सारी फलियां बनना शुरू हो गई हैं, ये देखिए। और फलियों का साइज भी देखिए दोस्तों, अच्छा आया है। तो ये था दोस्तों मेरा छोटा सा गार्डन व्यू, आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।